ये व्यू चेक करो, ऐसा नज़ारा देखना है ना तो नेपाल में आना पड़ेगा भाई। देखो एक्सीडेंट, ओह सॉरी भाई, देखो पहाड़ों के रास्ते में यही होता है एक्सीडेंट। देखो भाई, तो भाई अभी सुबह सुबह जो है पैदल पैदल जा रहा हूँ यार, अभी मैं सिटी में हूँ। मेरे को पकड़ पकड़ के लाया कर, चलो गाड़ी में चलो। ना देखो ड्राइवर का देखो मारने यहाँ छोड़ने, देखो भाई का ऑफिस पीछे ही रहेगा, भाई मेरे को स्पेशली छोड़ने के लिए आया। ओके भाई थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों नेपाल से काठमांडू से निकल चुका हूँ भाई अगली ओर। भाई मेरे को जाना है काकरभीटा जो कि सिलीगुड़ी के पास बॉर्डर पड़ता है, तो भाई वहाँ पे भी जाऊँगा मैं हिच हाइकिंग करते करते। तो देखते हैं भाई कब तक पहुँचते हैं। अभी सुबह का 7 बज रहा है तो मैं निकल चुका हूँ होटल से, अभी जाता हूँ भाई आगे और लिफ्ट मांगना स्टार्ट करते हैं और पहुँचते हैं। कब तक पहुँचेंगे काकरभीटा बॉर्डर उसका कोई गारंटी नहीं है, बाकी चलते हैं भाई। निकल चुका है सुबह सुबह होटल से चेकआउट करके। भाई देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं भाई होटल में जो है एक रात का स्टे किया था, उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे भी प्लान हो गया मेरा कि रुकना है। अब मैंने कल शाम को ही होटल वाले को बोला कि भाई पैसा ले लो, बोला बाद में देना। फिर मैंने रात को बोला भाई पैसा ले लो कर बाद में देना। अब जब मैं सुबह सुबह आ रहा हूँ ना, अब सुबह सुबह भाई होटल में स्टाफ कोई नहीं है भाई, दो ऑफिस है, दोनों ऑफिस में कोई नहीं है भाई। सब मैंने सारा कुछ देख फेंक के मैं निकल गया। अब क्या ही कर सकता हूँ यार, कितने देर तक इंतज़ार करूँगा। तो ये चीज़ है भाई, ये देखो, ये मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ लेकिन भाई नहीं मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें मैं कोई फ्रॉड नहीं किया इसलिए मैं आप लोगों को बताया भाई, ऐसे ऐसे सुबह सुबह सीन हो गया। तो भाई आगे चलते हैं, जुड़े रहिए, मज़ा आएगा काफ़ी। भाई लोग लिफ्ट देता है कि नहीं देता है काठमांडू के वो देखने को मिलेगा। सुबह सुबह का नज़ारा देखो, ऐसा है कुछ ठंडा ठंडा माहौल है भाई, यहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम है एकदम मस्त। तो भाई अभी सुबह सुबह जो है पैदल पैदल जा रहा हूँ यार, अभी मैं सिटी में हूँ तो सोच रहा हूँ भाई यहाँ से जो एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट के बगल वाला रोड जो है वो बर्दी बास जाता है, तो उस रोड की तरफ जाऊँगा ना तो उधर से क्या मेरे को जल्दी लिफ्ट मिल सकता है। यहाँ से क्या पता नहीं चलता है कि कौन किधर जाएगा, कौन कहाँ गली में घुस जाएगा। तो भाई दूर तो है यार लेकिन पैदल पैदल जा रहे हैं, जहाँ तो मैं टेम्पू में भी सकता हूँ लेकिन भाई आधे रास्ते तो आ ही चुका हूँ तो अब पैदल ही जाऊँगा। एक तो सुबह सुबह कुछ खाया नहीं है, भूख भी लग गया है भाई, और इतने में चलने में थक गया कि वो बैग जो है भाई इतना वजन है ना बैग में। तो चलते हैं धीरे धीरे और आगे जाके अपना कोशिश जारी करते हैं भाई। लिफ्ट प्लीज़, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। तो भाई आ चुका हूँ एयरपोर्ट के पास का जो सिग्नल है उधर। भाई मैं जब गया था ना तो सारा चीज़ तो निहारते निहारते गया था भाई, ये रास्ता मेरे को पता था, मेरे को याद आया। देखो यहाँ पे ये झूला लग रहा है ना मेले टाइप का, ये मैंने जाते समय देखा था। तो भाई जहाँ पे भी जा रहे हो ना चीज़ें याद रखा करो कि आपको फिर काम आएगा वो। तो मैं जिधर से गया था मेरे को हल्का हल्का याद था, मैं इधर से आ गया। अब मेन रोड आएगा यहाँ पे एक सिग्नल है, उस सिग्नल के पास जाके लोगों से लिफ्ट मांगूंगा। सिग्नल पे सब रुक जाता है और यहाँ पे भाई सिग्नल में टाइम देता है 2 मिनट 2.5 मिनट, तो उसी सिग्नल के पास चलते हैं फिर अगला लिफ्ट लेते हैं, फिर आपको बताते हैं भाई जितना मिलेगा आज उतना ले लूँगा, चाहे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, बस पहुँचना है बर्दीवास तक तो टारगेट है आज भाई। बाकी देखो क्योंकि ये रूट में ना पहाड़ी रूट है भाई, टाइम बहुत लगता है यार, सिर्फ रास्ता घूम घूम के। तो भाई आज मूड ही नहीं था हिच हाइकिंग करने का, मैंने यहाँ पे देखो एक जो प्राइवेट जो इलेक्ट्रिक वाला कैब है ना वो ले लिया और इसमें जाऊँगा आज भाई। मैं बर्दीवास तक जा रहा हूँ और 6 घंटा लगेगा इसमें। देखो भैया मेरे को पकड़ पकड़ के लाया कर, चलो गाड़ी में चलो। ना देखो ड्राइवर का देखो मारने ये हमारे ड्राइवर दादा हैं, तो 6 घंटा लगेगा ना, मतलब कितना अभी 6.5 घंटा लगेगा, 12 बजे से 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, 1 बजे 1 बजे पहुंचेंगे ना, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 1.5 से 1.5 बजे पहुंच जाएंगे हम, ढीला 2 बजे। तो अगर उधर का फिर मिल गया तो उधर से निकल जाएंगे। और इसमें मैंने किराया दिया भाई इंडियन 500 रुपया, मतलब नेपाली 800 रुपया हो गया। बर्दीवास 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 सही है यार, जिंदगी बर्दीवास, जिंदगी बर्दीवास जनाब। एक्सीडेंट, ओह सॉरी भाई, देखो पहाड़ों के रास्ते में यही होता है एक्सीडेंट। देखो भाई एक्सीडेंट हुआ है। Thank you.
काठमांडू से जब नीचे उतरते समय और जाते समय ये जो न्यू वाला रोड है ना भाई, इतना मस्त मस्त ब्यूटीफुल मतलब व्यू आता है भाई, इतना नज़ारा मस्त आता है। आप लोगों को मैं नज़ारा चेक करता हूँ भाई, व्यू देखो, ये चेक करो भाई, ये व्यू चेक करो, ऐसा नज़ारा देखना है ना तो नेपाल में आना पड़ेगा भाई। देखो रोड कितना भाई डेंजरस रोड है, ये नेपाल का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड है। शाम को भाई 6-7 बजे के बाद ये रोड में जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर देता है। तो भाई गाड़ी से उतर चुका हूँ मैं, पहुँच चुका हूँ बर्दीवास भाई। यहाँ से जो काठमांडू का मैंने वो किया था, फिर मैं दोबारा यहाँ पे बर्दीवास पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से देखता हूँ भाई, हिचहाइकिंग करूँगा, लिफ्ट मांगूँगा, ट्राई करूँगा, अगर गाड़ी मिल गया तो चला जाऊँगा। क्योंकि अभी भाई कितना टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी जाके भाई 3:30 बज रहा है, अगर मिल जाए तो रात को भी पहुंच जाओ तो कोई गारंटी टेंशन नहीं। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ भाई कब तक, कहाँ तक का लिफ्ट मिलता है मेरे को। तो भाई काफ़ी देर तक यहाँ पे लिफ्ट के लिए इंतज़ार कर रहा था, तो अभी भाई मिल गया तो 10 किलोमीटर आगे तक मेरे को छोड़ेगा। 10 किलोमीटर आगे एक ढालके नाम का जगह है, वहाँ से जनकपुरी की साइड में रोड काट जाता है, एक रोड जाता है सीधा सिलीगुड़ी भाई काकरपीटा बॉर्डर की साइड, तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ से जो है काकरपीटा की साइड का मेरे को गाड़ी मिलने का आसानी रहेगा। क्योंकि यहाँ से भाई पता नहीं चल रहा है कि कौन सा आदमी किधर जाएगा भाई। थैंक यू, क्या नाम हो आपका? गौरव। तो गौरव भाई ने भाई लिफ्ट दिया है, हाय कर दो गौरव भाई। हाय हाय। तो चलिए चलते हैं। ये आगे का रोड चला जाएगा जनकपुर भाई, ये रोड सीधा जाएगा आगे जनकपुर, और ये रोड जाएगा भाई वेस्ट बंगाल साइड काकरपीटा बॉर्डर जाएगा ये। मैं पहुंच चुका हूँ ढल के बार, और भाई को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, यहाँ छोड़ने को, भाई का ऑफिस पीछे ही रहेगा, भाई मेरे को स्पेशली छोड़ने के लिए आया। ओके भाई थैंक यू छोड़ने के लिए, गुड जर्नी, थैंक यू भाई। ये रास्ता आगे रह गया, अब आगे का देखते हैं कि कोई ट्रक मिल जाएगा तो बढ़िया आएगा भाई, ट्रक देखते हैं। तो भाई देखो अब मैं ऐसे जगह पे आ गया हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं इंडिया में हूँ भाई। ये नॉर्मल जो फ्लैट एरिया है वो है भाई, पहाड़ों से नीचे आ गया, ये ढल के पहाड़ नाम है इस जगह का, तो कुछ ऐसा दिखता है भाई। बाकी यहाँ पे ट्राई कर रहा है लिफ्ट, देखते हैं भाई। शाम भी होने वाला है, 4 बज गया लगभग यार, 4 से ऊपर ही बज गया है, देखते हैं जल्दीबाजी में कोई मिल जाए तो, जहाँ तक जा पाएंगे वहीं तक। आज मैं देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाऊँगा भाई, पूरा कोशिश करेंगे। तो भाई यहाँ पे आते ही जो है भाई ने मेरे को वहाँ आके छोड़ा, उनका ऑफिस से थोड़ा आगे ला के मेरे को छोड़ा। उसके बाद जो है मैंने भैया को हाथ दिखाया, भैया रोक दिया, भैया थैंक यू सो मच, इंडिया से बहुत बहुत प्यार। तो भाई भी इधर था, तो भाई कम से कम कितना किलोमीटर तक दोगे आप? 100-150। तो भाई जैसे आया था ना मैं उधर से, 100-150 किलोमीटर लिफ्ट दिया था एक भाई ने, वो भाई ने मेरे को भाई साहब इनरवा से लेके यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, उस दिन वो बंदा मेरे को इनरवा से लेके बर्दीवास तक दिया था। वैसे ही भाई लंबा जो है मेरे को लिफ्ट मिल चुका है भाई के ट्रक में। तो भाई लोग देखो भाई, नेपाल में जब से आया हूँ ना तब से भाई इतना बढ़िया बढ़िया लोग मिल रहा है, इतना जल्दी जल्दी लिफ्ट मिल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, लंबा तक आगे तक जाएंगे हम। मस्त रोड बनने वाला है ये, जो काकरपीटा वाला बॉर्डर वाला रोड है वो रोड भाई, ये आप बहुत लंबा तक भाई, कई किलोमीटर भाई, कई नहीं 50 से भी ज़्यादा किलोमीटर है, वैसे ही ख़राब ख़राब। भाई काठमांडू में था कितना मस्त मौसम था, ठंडा ठंडा था, गर्मी ना ठंडा, मतलब मीडियम एकदम, मतलब मज़ा आ रहा था उसमें। यहाँ आते भाई देखो
गर्मी में हालत खराब हो रहा है कि गर्मी इधर गर्मी है भाई, जितना आगे जाएंगे उतना गर्मी बढ़ता जाएगा। इधर का मौसम इधर का मौसम बहुत फर्क है। तो भाई आते आते देखो शाम ढलने लगा है धीरे धीरे, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और हमारी सफ़र जारी है भाई। हम पहुँचेंगे रात को मान के चलो 12 बज जाएगा, लगभग 12 बज जाएगा हमें पहुँचते पहुँचते, बाकी चलते हैं भाई। तो भाई इस वीडियो को ना मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ क्योंकि भाई बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं भी रात मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई। अभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट कैसे मैं पहुँचता हूँ वो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।